नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अभी तक आपने इंडिया में सिर्फ मेल सुमो रेसलर्स का ही नाम सुना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इंडिया की पहली और इकलौती फीमेल सुमो रेसलर के बारे में। रिंग पर गोल और मोटे शरीर वाले सुमो पहलवानों को आपस में भिड़ते तो आप सबने जरूर देखा होगा, लेकिन हर फील्ड में आगे रहने वाली महिलाओं के लिए सुमो कुश्ती का अखाड़ा भी अब अछूता नहीं रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत की पहली सुमो पहलवान हेतल दवे की। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की पहली महिला सुमो पहलवान का खिताब जीतने वाली हेतल को आज सब सुमो दीदी के नाम से पुकारते हैं। आपने ज्यादातर सुमो पहलवानी करने वाले खिलाड़ियों को मोटा और वजनदार ही देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी सुमो दीदी का वजन सिर्फ 76 किलो है और अपने इसी संतुलित वजन के साथ हेतल ने बहुत सारे देशों में वर्ल्ड सुमो चैंपियनशिप के लिए भारत को रिप्रेजेंट किया है। इतना ही नहीं, 2009 में ताइवान में हुए विश्व खेलों के दौरान हेतल ने सुमो कुश्ती प्रतियोगिता में 5वां स्थान भी हासिल किया था। राजस्थान के कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली हेतल बचपन से ही जैकी चैन की बहुत बड़ी फैन रही हैं, जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं और टीवी पर कार्टून देखने का शौक रखती हैं। उस समय हेतल जैकी चैन की फिल्में देखकर उनके जैसे स्टंट करने के सपने देखा करती थी। अपने इसी शौक के चलते महज 5 साल की उम्र में हेतल ने जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। हेतल के स्पोर्ट्स के प्रति जुनून को देखकर उसके पिता ने उन्हें टूर्नामेंट में भेजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सिर्फ 7 साल की उम्र में हेतल ने अपना पहला टूर्नामेंट खेला। कराटे और जूडो की प्रैक्टिस के दौरान हेतल ने सुमो पहलवानी करने का मन बना लिया, लेकिन उस समय सुमो कुश्ती को बहुत ही अपमानजनक खेल के रूप में देखा जाता था, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ी कपड़े नहीं पहनते थे और तो और अभी तक इस खेल को सिर्फ पुरुष ही खेला करते थे। मगर अपनी जिद की पक्की हेतल ने इस अवधारणा को तोड़ते हुए सुमो पहलवानी शुरू तो कर दी, लेकिन इस खेल में कोई महिला खिलाड़ी ना होने के कारण उनको पुरुष सुमो पहलवानों के ही साथ भिड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, परिवार को छोड़कर सारी सोसाइटी हेतल की सुमो कुश्ती के खिलाफ हो गई। हेतल और उसके पिता को अक्सर ये ताने सुनने को मिलते थे कि उनकी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा और ना ही उनके परिवार के साथ कोई नाता रखेगा। फिर भी हेतल के भाइयों और पिता ने उनको कुश्ती लड़ने से कभी नहीं रोका। हेतल अब सुमो कुश्ती में इतनी माहिर हो गई थी कि वो अपने से ज्यादा वजनदार पुरुष सुमो पहलवानों को अखाड़े में पटकने लग गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सुमो कुश्ती को अभी तक मान्यता प्राप्त खेलों में नहीं गिना जाता है, लेकिन फिर भी हेतल को भारत की तरफ से कई बार विदेशों में विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के लिए रिप्रेजेंट किया जा चुका है और हेतल भारत के लिए इनाम भी जीत कर ला चुकी है। भारत का गर्व हेतल दवे ने इस खेल में महारत हासिल कर ये साबित कर दिया है कि स्त्री जो चाहे वो कर सकती है। मुंबई में रह रही हेतल अब छात्रों को सुमो रेसलिंग के साथ कुश्ती और जूडो की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन हेतल की लड़ाई अभी तक अधूरी है क्योंकि सुमो कुश्ती अभी तक ओलंपिक में दर्ज नहीं हुई है। और अब खास बात यह है कि हेतल दवे पर अब एक बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है। इस फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन देखना ये है कि बायोपिक फिल्म अब कितना कमाल दिखाती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।